सो मेंटल रिटार्डनेस फर्स्ट ऑफ ऑल आपको इंट्रोडक्शन देना है मैंने प्रीवियसली भी बोला था कि मेंटल रिटार्डनेस अगर सपोज किसी को स्किप करना है तो वो क्या करेगा थोड़ा बहुत उसके इंट्रोडक्शन के बारे में पढ़ लीजिएगा बिकॉज ये सेम है लर्निंग डिफ़िकल्टीज के साथ सो लर्निंग डिफ़िकल्टीज़ की जगह पे आप मेंटल रिटार्डनेस का पॉइंट ऐड करके लिख सकते हैं उसको ही मैंशन कर सकते हैं तो वो भी आंसर हो जाएगा अदरवाइज़ यहाँ से आप लोग कर सकते हैं बिकॉज लर्निंग डिफिकल्टीज क्वेश्चन में आता नहीं है लर्निंग डिफ़िकल्टीज टी ई टी में आता है क्वेश्चन जो भी उसके रिलेटेड है टी ई टी में जरूर आता है बट मेंटल रिटार्डनेस से एक आध हाँ क्वेश्चन आते हैं अदरवाइज फिजिकल डिजाबिलिटी जो है उससे ही क्वेश्चन आते हैं कि उनको हम कैसे पढ़ाएंगे या फिर विजुअल वालों को हियरिंग इम्पारमेंट और हियरिंग डिजाबिलिटीज जिनको है उनके रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन अभी तक टी ई टी में आया नहीं बहुत रेयर आता है सो so, ऐसे टाइप के हैं अभी देखिए इंट्रोडक्शन में एम आर एम आर इज फॉर्म ऑफ द मेंटल रिटार्डनेस ये जो मेंटल रिटार्डनेस है ना ये वन काइंड ऑफ सिम्टम्स शो करने वाला है दैट मीन्स इट इज ए डिसऑर्डर वन काइंड ऑफ डिसऑर्डर आपके बॉडी में जो ऑर्डरली सिक्वेंस था उसमें हमने कोई चेंजेस देखा दैट इज कॉल्ड डिसऑर्डर बट इट इज नॉट ए डिजीज सो मेंटल डिटार्डनेस इज नॉट ए डिजीज और ए मेडिकल प्रॉब्लम बट इट्स ए जेनरलाइज डिसऑर्डर ठीक है अभी मैंने बोला डिसऑर्डर एक टर्म यूज किया सो so, ये कोई भी मेडिकल प्रॉब्लम या फिर मेडिकल <coughs> प्रॉब्लम नहीं है या फिर डिजीज भी नहीं है इट इज नॉट ए डिजीज और नॉट ए मेडिकल इशू इट इज ए जेनरलाइज डिसऑर्डर कॉज बाय साइकोलॉजिकल और सोशियल प्रॉब्लम सो so, सपोज हम अगर एक सोसाइटी uh, में रहते हैं तो सोसाइटल थिंग्स इन्फ्लुंसेस अस जो भी सोसाइटी थिंक है वो सारे हमें इन्फ्लुएंस करते हैं इतना ज़्यादा इन्फ्लुएंस करते हैं कि हमें कभी कभी क्या होता है बहुत ज़्यादा ही हेडेक होता है कभी कभी बहुत ज़्यादा टेंशन होता है एंगजाइटी फील होते हैं तो डिप्रेशन हो जाते हैं हम डिमोटिवेटेड होते हैं एंड हुइ लीड्स टू मेंटल रिटार्डनेस मीन्स धीरे धीरे आपका आई क्यू लेवल डिक्रीज होना स्टार्ट करता है एंड मे बी वन पार्ट ऑफ द हेड और वन पार्ट ऑफ द ब्रेन नॉट फंक्शनल ऐसे भी हो सकता है तो वो सब चीज़ें यहाँ पे मेंटल रिटार्डनेस पे आएगा तो एम आर इज़ नॉट ए डिजीज़ मेंटल रिटार्डनेस इज़ नॉट ए डिजीज़ और ये मेडिकल प्रॉब्लम बट इट इज़ ए जनरलाइज डिसऑर्डर मतलब जनरल इशू है जनरल इशू जस्ट लाइक ह्यूमन बॉडी है तो जनरल इशूज़ होते हैं कभी कभी इचिंग रेस या समहाव हमने कुछ खा दिया तो एलर्जिक रिएक्शंस होगा या फिर आ, कहीं पे जा रहे हैं तो एक्सीडेंटल इंजरीज हो सकता है तो ये सारे जैसे जनरल प्रॉब्लम्स हैं वैसे ये भी जनरल डिजॉर्डर है ये क्यों होता है साइकोलॉजिकल इशू मीन सोसाइटल ईशूज के वजह से या फिर साइकोलॉजिकल इशूज़ के वजह से ब्रेन में अगर प्रॉब्लम हो दन होगा फंक्शनिंग मेंटल रिटार को है सपोज आई एम बिलोंगिंग टू समिटी एंड माई कम्युनिटी इज वेरी एंसियंट टाइप एनसी एंट मीन्स पहले के जैसे जो पीरियड्स थे वैसे ही टाइप के चल रहे थे मीन्स एनसींट पीरियड को फॉलो करते एनसी एंट और ओल्ड टाइप देन वो मॉडर्नाइज नहीं है डजेंट फॉलो एनी टाइप ऑफ मॉडर्नाइज वैल्यूज सो वो कैसे मुझ पर इम्पैक्ट डालेगा दैट मीन्स ऑलवेज दे थिंक अबाउट मी और दे थिंक अबाउट माई जेंडर और सेक्सेस हाउ माई सोशल वर्कस डन बाई मी और हाउ अदर सन्स इन्फ्लुएंस में ये सारे पॉइंट्स यहाँ पे आ जाते हैं कैसे लोग आपके बारे में सोचते हैं क्या करते हैं ये सारे हो गए ओल्ड टाइप के जो थाट्स थे पहले के टाइम पे कि आप अगर सोसाइटी में प्रजेंट हो तो सोसाइटी में जो भी आप करेंगे वो आपको इन्फ्लुन्स करेगा या फिर सोसाइटी के लिए जो भी आप करेंगे वो भी देख के लोग बहुत ज़्यादा ही कुछ ना कुछ बोलेंगे तो ये सारी चीज़ अगर बोला गया तो आपका मेंटल डिटारनेंस होगा ही तो अगर मुझे इतना सारा प्रॉब्लम हो रहा है इश्यूज हो रहा है दैट लीड्स टू मेंटल रिटार्डनेस एंड मेंटल रिटार्डनेस अल्टीमेटली इन्फ्लुएंस डिफरेंट पार्ट्स ऑफ आवर बॉडी डिफरेंट पार्ट्स ऑफ आवर बॉडी जस्ट लाइक स्पीच प्रॉब्लम इसके वजह से हमारा जो नॉर्मल स्पीच था उसमें इशू हो सकता है लैंग्वेज डेवलपमेंट अगर सपोज uh, अगर मैं एक नॉर्मल पर्सन हूँ एंड मेरा नॉर्मल ग्रोथ हो रहा है दैन नॉर्मल ग्रोथ के साथ मेरा क्या होगा डेवलपमेंट कि हम जैसे जैसे ग्रो करते हैं वैसे वैसे हम क्या करते हैं वर्ड्स को कैरी करते हैं जैसे कि अप्रोक्सीमेशन uh, में वन ईयर्स तक का बेबी वन टू टू ईयर्स तक का बेबी टू हंड्रेड वर्ड्स को लर्न करता है ठीक है अगर सेवन ईयर्स के बेबी को हम देखें तो वो टू थाउजेंड वर्ड्स को लर्न कर सकता है मतलब मेमोराइज कर सकता है एंड उससे ज्यादा हुआ विथ रेस्पेक्ट टू एज इंक्रीज होते जाएगा नंबर ऑफ वर्ड्स वैसे ही इंक्रीज होते जाएगा मीन्स हमारा भोकाबुलरी जो प्रोसेस है हम एक कर रहे हैं नॉलेज अबाउट डिफरेंट भोकाबुलरी सेशन और दोकाबुलरी प्रोसेसेस वो इंक्रीज करते रहे तो इसके थ्रू हमारा लैंग्वेज डेवलपमेंट होता है प्रॉपर लैंग्वेज कैसे एक्वर करना है या फिर प्रॉपर लैंग्वेज कैसे पढ़ना है आप लिंग्विस्टिक प्रिंसिपल्स पढ़ चुके थे आप ऑलरेडी जानते हैं कि ग्लोबल लैंग्वेज क्या है नॉर्मली लैंग्वेज कैसे डेवलप्ड होता है एल एस आर डब्ल्यू का वैल्यू क्या है सो एल एस आर डब्ल्यू आर द डिफरेंट पार्ट ऑफ द लिंग्विस्टिक प्रिंसिपल एंड द लिंग्विस्टिक प्रिंसिपल इज एग्जैक्टली exactly, uh, known by its action. That means आप अगर language को जानना चाहते हैं तो उसके action के through ही वो आप जान पाएंगे क्योंकि आप जो बोल रहे हैं उसी से आप समझते हैं तो लैंग्वेज डेवलपमेंट में प्रॉब्लम होगा हियरिंग में इश्यूज़ आएगा क्योंकि ब्रेन के पास सबसे पास कौन सा कौन सा चीज़ है आईज है एंड ईयर है तो उसी को ही ज़्यादा पहले प्रॉब्लम होता है सो विजुअल फंक्शनिंग देखिए हियरिंग एंड विजुअल फंक्शनिंग में प्रॉब्लम्स आएंगे एज वेल एज अगर ब्रेन वर्क uh, करना बंद कर दे या फिर uh, कभी कभी वर्क कर रहा है नहीं कर रहा है तो uh, क्या होगा दैट मीन्स टोटल बॉडी के जितने भी कोऑर्डिनेशंस हैं वो बिगड़ जाएंगे Way में जो मूवमेंट चल रहा था वो सारे एंड सोशियोलॉजिकल so, kind of और सोशियो सोशियल प्रॉब्लम सोशियोसाइकोलॉजिकल बोल सकते हैं एक साथ दोनों को मिक्स करके सोशियोसाइकोलॉजिकल प्रॉब्लम मैंशन कर सकते हैं तो so, ये हो गया आपका इंट्रोडक्शन नेक्स्ट नेक्स्ट है मीनिंग ऑफ एम आर दैट इज़ अ मीनिंग ऑफ एम आर मीन्स चिल्ड्रेन हु हैव ए कंडीशन कैसा कंडीशन लेस देन द डेवलपमेंट मेंटल डेवलपमेंट जिनका मेंटल डेवलपमेंट जैसा होना था उससे कम है दस दे आर नॉट एबल टू डील विथ डे टू डे एक्टिविटीज इन हारमोनस और हारमोनियस मैनर दैट मीन्स यहाँ पे हारमोनियस की जगह पे आप लिख सकते हैं पेस और रिदम रिदमिक मैनर पेस मैनर और जस्ट लाइक like एक रिदम के जैसे चलना थोड़ा अप डाउन के साथ होगा बट सिंक्रोनाइज वे में जैसे कि आज मॉर्निंग में मैंने आई एम ए स्टूडेंट एंड मैं कब उठती हूँ वो कब एट बोल सकती हूँ मैं सिक्स पी एम में उठती हूँ कि सिक्स ए एम में उठती हूँ सारे बच्चों का डिफरेंट डिफरेंट है कंडीशन वो किस टाइम को वो शो करना चाहते उस अकॉर्डिंग तो ये जो टाइम पीरियड एक बच्चा दिखाता है ना कि हर दिन मैं एवरी डे आई एम आई एम ए स्टूडेंट एंड एवरी डे आई एम गोइंग टू स्कूल एट पर्टिकुलर दिस पीरियड और पर्टिकुलर फ्रॉम दिस पीरियड टू दिस पीरियड आई एम स्टडिंग और आई एम प्लेइंग एटसेट्रा तो ये हो गया कि उसके लाइफ को वो शो कर रहा है रिदमिकली मीन्स पर्टिकुलर हारमोनियस वे पे बट समाइम्स अगर मेंटल रिटार्डनेस हुआ तो बच्चा का जो डेली रूटीन है वो क्या हो जाता है एंड दैट इज कॉल मेंटली और और मेंटली 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 रिटार्डेशन रिटार्डेशन ओके तो अभी हो गया मीनिंग ऑफ ए आर सॉरी एम आर एम आर के बाद अभी चलेंगे डेफिनेशन में अभी मैंने डेफिनेशन ने यहाँ पे कितने दे दिए वन टू थ्री तीन डेफिनेशन है तो तीन डेफिनेशन में से आप एनी टू को मैंशन कर सकते हैं एज पर द क्वेश्चन जो भी क्वेश्चन आस्क करेगा उस अकॉर्डिंग दीजिएगा बट हमें क्या करना है ऑलवेज याद रखते हैं कि लॉन्ग क्वेश्चन में दो डेफिनेशन डालने रहते हैं दो पर्टिकुलर डेफिनेशन आपको डालने हैं तो जो इंपॉर्टेंट है जैसे कि यहाँ पे ना फर्स्ट एंड सेकेंड बहुत ही इंपॉर्टेंट है ऐसे टाइप के क्वेश्चन आते हैं जस्ट लाइक द ट्रेड गोल्ड

हम एक बच्चे को कैसा करें नॉर्मल लाइफ में रखें तो दैट मीन्स ही इज और हर आई क्यू लेवल इज़ वेरी गुड एंड ही और शी डज़ एनी वर्क वेरी क्विकली बट अगर एक बच्चा इनकैपेबल है और इनकम्प्लीट है उनके डेवलपमेंट ऑफ माइंड बहुत ही इनकम्प्लीट चल रहा है एंड सीवियर चल रहा है तो क्या होगा पर्सन इज़ इनकैपेबल ऑफ लीडिंग एन इंडिपेंडेंट लाइफ खुद से वो कर नहीं सकते या खुद से वो सोच नहीं सकते या फिर अपने लाइफ में जो भी डे टू तो डे एक्टिविटीज है उसको परफॉर्म नहीं कर सकते एंड दिस इज कॉल्ड मेंटल रिटार्डनेस प्रॉब्लम सो मेंटल रिटार्डनेस प्रॉब्लम और द पर्सन बिलोंगिंग विद दिस डिजीज और बिलोंगिंग फ्राम दिस डिजीज आर वेरी सीरियस इन देअर एक्टिविटीज आर वेरी डिफिकल्ट टू हैंडल दैम एंड वेरी डिफिकल्ट टू हैंडल दैम हम लोग अकेले उसे हैंडल नहीं कर सकते विदाउट पर्टिकुलर टीचर और विदाउट पर्टिकुलर डॉक्टर एंड वेरियस टाइप्स ऑफ जो नर, आ, नर्सेस रहते हैं नर्सिंग के लिए रहते हैं, नर्सेस उनके थ्रू वो नहीं रहेंगे तो हम कर नहीं सकते ऐसे टाइप है अकॉर्डिंग टू पेग नाइनटीन सेवेंटी सिक्स नाइनटीन सेवनटी सिक्स एम आर देट इज़ अ मेंटल रिटार्डनेस इज अ कंडीशन मेंटल रिटार्डनेस कंडीशन है इज अ कंडीशन ऑफ सब नॉर्मल मेंटल डेवलपमेंट सब नॉर्मल दैट इज अ नॉर्मल एंड नॉर्मल के बाद अगर पूरा ही डाउन हो जाए दैट इज कॉल्ड मेंटल रिटार्डनेस और बोल सकते हैं नॉर्मल एबनॉर्मल एबनॉर्मल नॉर्मल के अंदर अगर बीच का कोई पॉइंट है दैट इज कॉल्ड सब नॉर्मल तो सब नॉर्मल मेंटल डेवलपमेंट प्रेजेंट फ्रॉम बर्थ और अर्ली चाइल्डहुड एंड कैरेक्टराइज द लिमिटेड इंटेलिजेंस एंड सोशल इंडिक्वेसी सॉरी इन एडिक्युएसी इंडिपेंडेंसी मैं बोलना चाह रही थी लिख लिख सकते सकते हैं हैं। या फिर inadequate से लिख सकते है। तो यहाँ पे जो मेंटल डेवलपमेंट है सब नॉर्मल हाँ -हाँ. सेमी बोल सकते हैं सेमी नॉर्मल और सब नॉर्मल जहाँ पे मतलब नॉर्मल कंडीशन नहीं है मेंटल जो ग्रोथ है उनका वो नॉर्मल कंडीशन पे नहीं है वो एक्चुअल जो बच्चों का जैसे ग्रोथ होता है ना तो क्या होता है बॉडी के डेवलपमेंट uh, के अकॉर्डिंग ये आपने चाइल्डहुड ग्रोइंग अप में पढ़ा था ऑलरेडी यू देयर दैट इज द ब्रेन ग्रोथ और इंटेलिजेंस ग्रोथ बोलते हैं ना आप लोग कॉग्निटिव डेवलपमेंट कॉग्निटिव डेवलपमेंट इज टोटली डिपेंड ऑन द बॉडी पार्ट दैट मीन्स मेंटल हेल्थ रेशियो किसके साथ बनेगा बॉडी साइज सो बॉडी साइज इफ़ द बॉडी साइज इंक्रीज टाइप तो यहाँ पे भी मेंटल हेल्थ भी इंक्रीज होगा अगर मेंटल हेल्थ इंक्रीज हो गया बॉडी डिक्रीज हो गया दैट मीन्स वो एब कंडीशन है अगेन बॉडी इंक्रीज कर है मेंटल हेल्थ डिक्रीज कर है दैट मीन्स वो भी एब कंडीशन है सो so, यहाँ पे वही चीज बताया गया सेमी नॉर्मल और सब नॉर्मल मेंटल डेवलपमेंट सो मेंटल रिटार्डनेस एक टाइप का कंडीशन है जो कि सेमी नॉर्मल और सब नॉर्मल मेंटल डेवलपमेंट होता है वहां पे एंड ये बाय चांस बर्थ पीरियड से भी हो सकता है कोई कोई बच्चा जस्ट um, लाइक like आपने पढ़ा था कि डिफरेंट टाइप्स ऑफ डिजीजेस जस्ट लाइक डिजॉर्डर्स जो आपने पढ़ा विजुअल एक्विटी का दैट इज विजुअल डिजेबिलिटी और हियरिंग डिजेबिलिटी हियरिंग डिजेबिलिटी मे भी कॉज्ड बाय डिफरेंट टाइप्स ऑफ ड्रग्स टेकिंग इन प्रेगनेंसी पीरियड बाय द मदर और डिफरेंट टाइप्स ऑफ मेडिसिन विच आर नॉट गुड फॉर द मदर बॉडी बट ऑल्सो देट टेक सो so, वैसे अगर करते हैं मदर्स लोंग देन वो हो सकता है वैसे ही वो भी एक केस हो सकता है या फिर वो एक रीज़न हो सकता है कि अल्टीमेटली हम लोग बहुत सारे ड्रग्स यूज कर रहे हैं या फिर uh, कोई ऐसा खाना खा रहे हैं जो बच्चों के लिए नहीं चाहिए तो वो अल्टीमेटली कर सकते हैं और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जैसे कि मैं बायो के स्टूडेंट हूँ तो मैं थोड़ा बहुत जानती हूँ आप लोगों को भी पता होगा आप लोगों को भी दैट इज जो होता है आपका स्पर्म काउंट या एक काउंट होता है ये मदर बॉडी के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है मदर एंड जो भी बेबी है उनके लिए तो एग्जैक्टली exactly उस टाइम पे अगर कोई भी इशू हो अगर कोई भी डाइट में भी इशू हो दैन क्या होगा इश्यूज़ बेबी को इश्यूज़ होगा उससे बेबीज को क्या हो सकते बर्थ के टाइम पीरियड से ही उनका मेंटल रिटार्डनेस हो सकता है या फिर एबनॉर्मल ग्रोथ हो सकता है एबनॉर्मल ग्रोथ ऑफ एनी पार्ट एनी पार्ट बॉडी में से कोई भी पार्ट में हो सकता है अगर मेंटल ब्रेन में हुआ तो दैट इज कॉल्ड सब नॉर्मल और एबनॉर्मल मेंटल डेवलपमेंट सो यहाँ पे एबनॉर्मल नहीं होता थोड़ा बहुत कोई कोई बातों को वो जान पाता है तो दैट इज सब नॉर्मल मेंटल डेवलपमेंट प्रेजेंट फ्रॉम दी बर्थ और अर्ली चाइल्डहुड या फिर बच्चे हो गए देन अर्ली चाइल्डहुड पीरियड में है जीरो टू वन ईयर और टू ईयर थ्री इयर्स के अंदर उस पीरियड में बाई चांस uh, सर पे चोट लग गया या फिर कोई चीज़ को वो स... देख के शौक हो गया शौक लग गया तो ऐसा जो मेंटली प्रेशर होता है ना प्रेशराइज होने से भी मेंटल ग्रोथ जो होता है वो एबनॉर्मल हो जाता है सो so, उसके बारे में मैंशन किया गया एंड कैरेक्टराइज बाय ये सारे कैरेक्टराइज किसके थ्रू होंगे मीन्स पर्टिकुलरली इसके लिए तो कोई कैरेक्टर होगा ना दैट कैरेक्टर इज इंटेलिजेंस सो मेनली ये कैरेक्टर को क्या करता है लिमिटेड कर देता है दैट मीन्स अगर हमारा डेवलपमेंट मेंटल डेवलपमेंट प्रॉपर नहीं हुआ तो इंटेलिजेंस हमारा क्या हो जाएगा कम होना स्टार्ट करेगा तो लिमिटेड इंटेलिजेंस एंड सोशियल इन एडिकुसी सोशियल इनएडिक्स मींस हम सोसाइटी में जाके और किसी के साथ कम्युनिकेट नहीं कर सकते दैट इज कॉल्ड सोशियल इनएडिक्वेसी रेस्पॉन्सिबिलिटी टेक करना या फिर रेस्पॉन्सिबिलिटी को चलाना कम्युनिकेट करना लोगों को शेयर करना कोई थॉट के बारे में समझाना ये सारा और चीज पॉसिबल नहीं होगा ये मेंटली है।, है ये हो गया According according to Peg. Then according to then and and F O U समझा दे रही हूँ any two आपको जो याद रहे उसको आप करिएगा यहाँ पर मैंने दो terms लिखे हैं जो कि बाद में use होगा acute. Acute, हम लोग बोलते हैं ना acute problems. that means जो कि brief period के लिए रहता है Which remain for brief period and chrony, chrony is the severe condition बहुत ही long time के लिए भी चल सकता है या फिर severe condition हम जो बोलते हैं वो होता है क्रोनिक जो permanently चले okay अभी next आता है ये दो वर्ड बोलने का इम्पोर्टेंस ये है कि इसके बाद जो डेफिनेशन आ रहा है उसमें ये words mention रहेंगे तो उसको समझने के लिए आपको टल रिटार्डनेस इज ए क्रोनिक और सीवियर कंडीशन मेंटल रिटार्डनेस कैसा है एक सीवियर कंडीशन है प्रेजेंट फ्रॉम दर्थ और अर्ली चाइल्डहुड एंड कैरेक्टराइज बाई बोथ इम्पेयर एंड इंटेलैक्चुअल फंक्शनिंग एंड इम्पेयर अभी देखिए क्या क्या मैंशन किया ये एक सीवियर कंडीशन है Mental one kind of condition. Severe condition, present from the कहाँ से कौन से period से ये स्टार्ट होता है अर्ली चाइल्डहुड पीरियड एंड इसको characterized करना तो कैसे कैरेक्टराइज करना पड़ेगा इन In इंटेलेक्ट और इम्पेयर इंटेलेक्चुअल इम्पेयर्ड इंटेलेक्चुअल मीन्स अगर पेयरिंग हो सिंक्रोनाइज हो आपका जो कॉग्निटिव डेवलपमेंट है दैट मीन्स आई क्यू लेवल अगर आई क्यू लेवल कैसा होगा सिंक्रोनाइज और प्रॉपरली मूव करा प्रॉपरली ग्रो करा तो दैट इज कॉल्ड पेयर्ड इंटेलेक्ट अगर उसमें कोई भी इश्यूज हुआ दैट इज कॉल्ड इम्पेयर्ड इंटेलेक्ट और इंटेलेक्चुअल इम्पेयर्ड इंटेलेक्चुअल फंक्शनिंग

खुद के थिंकिंग को बदलते हैं उस अकॉर्डिंग खुद के जितने भी चेंजेस बॉडी में लाना हो कपड़ों में लाना हो पढ़ाई में लाना हो सब कुछ लाते हैं तो दैट इज कॉल्ड पेयरिंग पेयरिंग ऑफ एडजस्टमेंट दैट मीन्स हमने एडजस्टमेंट के साथ अच्छा से पेयरिंग किया अगर पेयरिंग में प्रॉब्लम हो रहा है दैट मीन्स एडजस्टमेंट में प्रॉब्लम हो रहा है या फिर कोई चीज़ को एडेप्ट करने में मतलब हिंदी में बोलूँ तो ग्रहण करना कोई चीज को ग्रहण करना उसमें अगर प्रॉब्लम हो रहा दैट मींस उसको वो मेंशन करेंगे इंपेयर्ड अडैप्टेशन सो मेन चीज ये आया कि मेंटल रिटार्डनेस एक सीवियर कंडीशन है जिसमें ये कंडीशन बच्चों के हवाले अवस्था से आ सकता है या फिर बाय बर्थ जन्म से या हवाले अवस्था से आ सकता है हिंदी में भी बता दे रही हूं जिनको भी समझना है समझ लीजिएगा सो so, हवाले अवस्था से आ सकता है ये हमारे बुद्धि के विकास पे एवं बोला ना कोई भी चीज को सामाजिक जो कोई भी कार्य है उसको ग्रहण करने में क्या क्रिएट करेगा मतलब बाधा क्रिएट करेगा मीन्स मतलब बाधा बनाएगा या फिर बाधा करते रहेगा बाधा देगा तो इतना होगा और ज्यादा हिंदी नहीं होगा इतना ज्यादा हम बोल सकते हैं सो so, इतना आपको समझ लेना है पूरा क्योंकि ये सारे जो है, उसमें ये पूरा डेफिनेशन जैसे दे दिया who said that? और who said this statement? ऐसे आ सकता है तो उस टाइम पे आपको याद रहना चाहिए सो नेक्स्ट चलते हैं जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स में तो जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स अकॉर्डिंग टू द फंक्शनिंग ऑफ आईक्यू आईक्यू के फंक्शनिंग के अकॉर्डिंग आप देखिएगा मैंने बोला था आईक्यू के uh, क्वेश्चन होंगे या फिर आई क्यू के नॉर्मली आप लोग क्या जानते हैं फॉर्मूला जानते हैं तो यहाँ पे आई क्यू कैसे कैलकुलेट किया जाता है वो भी आज सीख के जाइए बिकॉज आई क्यू कैलकुलेट करने के लिए भी आता है कुछ कुछ क्वेश्चन में डाल देते हैं कि ये बच्चे का ऐसा है ये बच्चे का ऐसा है तो कैसा आई क्यू आएगा दोनों में कंपेरिजन करने के लिए दे देता है तो यहाँ पे ना फर्स्ट देखिए कि अकॉर्डिंग टू फंक्शनिंग जो भी करता है। means, आपके में कौन सा वर्क करता है आपका आई क्यू लेवल तो आई क्यू लेवल के फंक्शनिंग के अकॉर्डिंग हमने यहाँ पे कितने चीजों में डिवाइड किया है सब एवरेज इंटेलेक्चुअल फंक्शनिंग पहले तो इट इज लेस देन एवरेज सब एवरेज मीन्स एवरेज से कम लेस देन एवरेज तो हमारा एवरेज से कम हो गया तो दैट इज कॉल्ड आई क्यू इज एटी टू नाइनटी ठीक है अगर एवरेज आता है कि आ, हमारा आई क्यू लेवल वन सिक्सटी है या वन फोर्टी है तो उसका हाफ कितना होगा सेवेंटी एटी नाइन्टी ऐसे ही आसपास आएगा तो उतना रहेगा तो दैट इज कॉल इट इज लेस देन एवरेज आई क्यू एटी देन नेक्स्ट लिमिटेड फंक्शनिंग लिमिटेड फंक्शनिंग मीन्स कैसा होगा अगर आपको आई क्यू लेवल बहुत ही कम है सपोज़ मेरा आई क्यू लेवल बहुत कम है तो क्या होगा मैं जो भी फंक्शन है मेरे बॉडी रिलेटेड या फिर आ, जो भी मेरे मेंटली जो ग्रोथ हो रहा था उस रिलेटेड जो जो वर्क है जैसे कि स्पीच या फिर सोशल वर्क करना सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी को कैरी करना या सोशल कम्युनिटीज़ पे रहना तो वो सारे में प्रॉब्लम क्रिएट होगा तो यहाँ पे कुछ ऑप्शंस हैं वीक कैन लर्निंग लर्निंग में भी इश्यूज आए बट ऑल्सो इन सोशियल जॉब्स एंड वर्क ऑल्सो मीन इस दोनों में भी प्रॉब्लम आएगा सोशल जॉब्स आप कर नहीं सकेंगे वर्क कर नहीं सकेंगे तो उसके बाद नेक्स्ट आते हैं is, अगर मेरा आई क्यू लेवल बहुत ही कम है सो so मैं कोई भी चीज को एडेप नहीं कर सकूंगी अभी मैंने समझाया था कोई चीज को एडेप्ट कर सकेंगे तो यहाँ पे क्या लिखेंगे दे विक इन और दे आर विक इन लिख सकते दे आर विक इन बोथ एक्वशन एंड अडाप्टिव स्किल्स मतलब वो कोई भी चीज़ को, को जल्दी से रिसीव नहीं कर सकते एंड कोई भी चीज़ को एक्वर्ड नहीं कर सकते दैट मीन्स वही चीज़ सेम चीज़ को ही लिखा गया एकवर्ड एंड एडाप्टशन दैट मीन्स कोई चीज़ को लेना

सो so, इनका जो ग्रोथ है ना या फिर इनका जो मेंटल रिटार्डनेस है ये अठारह साल से पहले ही हो गया मेंटल रिटार्डनेस। सो इसलिए इन लोगों का डेवलपमेंट प्रोसेस में भी ग्रो हो मतलब स्लो हो जाता है डेवलपमेंट और ग्रोथ प्रोसेस जो है ना वो भी स्लो हो जाता है तो इसके बाद नेक्स्ट आते हैं फिफ्थ पॉइंट दैट इज अ पोअर परफॉर्मेंस लेवल पोर परफॉर्मेंस लेवल दे सो परफॉर्मेंस बिलो देन देयर रियल एज इनका जो परफॉर्मेंस रहता है ना ये जिस टाइप का परफॉर्मेंस शो करते हैं वो कैसा है बहुत ही कम रहेगा सपोज ये कैसे आपको निकालना है आपका रियल एज क्या है सॉरी आपका रियल एज क्या है उसी का आईक्यू का फॉर्मूला देखिए साइड में मैंने आईक्यू का फॉर्मूला लिखा आईक्यू इक्वल्स टू क्रोनिक एज डिवाइडेड बाय रियल एज इनटू 100 क्रोनिक एज सपोज आपका रियल एज कितना है वो बताइएगा एंड आप बिहेव कैसे करते हैं वो बताइएगा सपोज़ मेरा रियल एज है ट्वेंटी फाइव एंड मैं बिहेव करती हूँ यहाँ पे मैंने साइड में एक मैथ्स भी करके दिया मैं बिहेव करती हूँ बारह साल के बच्चे के जैसा मैं बात करती हूँ या फिर वर्क करती हूँ आप एक अज्यूम करके डालेंगे ये पर्टिकुलरली है नहीं उसके सिम्टम्स को देख के कि उसका मेंटल रिटारनेस कितने रेंज का है उसको ऑब्जर्व करके हमने वहाँ पर एक डिजिट बैठा है कि ये ट्वेल्व इयर्स जैसा बिहेव कर रही है तो उसका परसेंटेज निकालेंगे तो इन टू हंड्रेड बिकॉज आई क्यू मीन्स इंटेलिजेंस क्वेश्चन निकालना है परसेंटेज निकालना है तो इसलिए क्रोनिक एज डिवाइडेड बाय रियल एज अभी क्रोनिक एज होता क्या है दैट इज क्रोनिक मीन्स वो उस टाइम पीरियड में कैसा बिहेव करिए कौन से एज, ए, एज के बच्चों के जैसा बिहेव हिसाब से तो ये मेरा देखिए आईक्यू मतलब इतना पोरली हम परफॉर्म करेंगे कि हमें पता नहीं चलेगा कि हमारे एज के हिसाब से हम कर रहे हैं या फिर कौन से एज के हैं हम वो भी पता नहीं चलता Then, स्लो एक्शन स्किल ये ऑलरेडी हमने लिख लिया था कि जिनको इश्यूज रहता है ये सब का तो उनको एकेडमिक एंड नॉन एकेडमिक बोथ टाइप ऑफ जो स्किल्स रहते हैं अकाडेमिक मीन्स पढ़ने में नॉन एकेडमिक मींस वोकेशनल हो गया या फिर कोई टाइप के वर्क्स हो गए पेंटिंग हो गया या फिर सिंगिंग हो गया ये सब में भी वो बहुत ही स्लो रहेंगे उनका जो रेट ऑफ डेवलपमेंट है बहुत ही स्लो रहेगा अच्छा नेक्स्ट अभी आया क्लासिफिकेशन अभी मैं आपको क्लासिफिकेशन बताऊंगी जहाँ पे पॉइंट है ए बी सी डी करके उसको अंडरलाइन करके लिखिएगा बिकॉज यहाँ पे कलर थोड़ा सा सेम सेम लग रहा है बट ये डार्क कलर से मैंने लिखा था फिर भी सेम हो गया तो उस अकॉर्डिंग आप सेपरेशन करेंगे कैसे अंडरलाइन कर दीजिएगा उस हेडिंग को या फिर आप क्या करेंगे डिफरेंट कलर के पेंसिल लिखेंगे जैसे कि यहाँ पेटली रिटार को हमने क्लासिफिकेशन करना है तो पहला ग्रुप कौन सा है क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल एंड अः फिजियोलॉजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स फिजियोलॉजिकल फिजियोलॉजिकल मीन्स उनके बॉडी में क्या क्या प्रॉब्लम है उनके एक्टिविटीज में क्या क्या प्रॉब्लम है एंड बॉडी में क्या क्या इश्यूज हैं। सो पहला प्रॉब्लम है या फिर पहला जो टाइप के चाइल्ड हैं दैट इज नंबर वन ब्रेन डैमेज चाइल्ड ये तो आप समझ सक रहे हैं कि इनका जो भी रिटार्डेशन है ठीक है ब्रेन रिटार्डेशन है ब्रेन रिटार्डेशन इज आल्सो नोन एज ऑर्गेनिक रिटार्डेशन बिकॉज इनके बॉडी में हम जानते हैं बायो के या फिर केमिस्ट्री के जो बच्चे हैं उनको पता होगा कि ब्रेन में ना बहुत सारे केमिकल्स भी हैं ठीक है आयंस केमिकल्स ये सारे भी हैं अगर हमारा ब्रेन एक्टिवली वर्क ना करे तो ये सारे फॉर्मेशन भी बंद हो जाएंगे या फिर सप्लाई भी बंद हो जाएगा तो उस अकॉर्डिंग ब्रेन डैमेज हो सकता है ठीक है तो ये फर्स्ट हो गया नंबर टू मोंगोलॉइड सो so, मगुलर जो होता है ना ये टाइप के जो बच्चे हैं इनका फेस ना पूरा ही गोल गोल होता है ठीक है पूरा मून मूनसेप्ट का मून मूनसेप्ट फेस होता है पूरा गोल एंड नियर अबाउट ये आ, फिजिकल एट्रीब्यूट्स में दो तो मतलब उनकी आ, जो बिहेवियर है और आउटर जो अपीयरेंस है बॉडी का उससे ही आप जान सकते हो कि ये किस टाइप के बच्चे हैं इनके मुंह से ऐसे ही गिरते रहता है मीन्स मुंह से पानी आते रहता है आ, वो क्लीन नहीं रहते हैं या कुछ समझ नहीं पाते हैं कब क्या भूख लग रहा है या क्या करना है उन्हें नहीं पता दैट इज मगोलॉइड ठीक है अभी आता है नेक्स्ट क्रेटिन चाइल्ड अगर किसी को नाम सब पता नहीं चल रहा है ब्रेन डैमेज चाइल्ड अगर हिंदी में एक नाम नहीं पता चल रहा तो आप इंग्लिश में हेडिंग डाल के हिंदी में एक्सप्लेनेशन दे सकते हैं कोई प्रॉब्लम नहीं है जो हिंदी बच्चे हैं इंग्लिश में हेडिंग डाल के आप हिंदी में एक्सप्लेनेशन दे सकते हैं इतना अलाउड है देन नेक्स्ट आता है क्रेटिन चाइल्ड क्रेटिन चाइल्ड क्या है मीन्स ये ना मेंटल रिटार्डनेस में सबसे ऊपर है मीन्स इनको जो मेंटल रिटार्डनेस होता है ड्यू टू डिस्टर्बेंस घर पे जो डिस्टर्बेंसेस होते हैं बहुत सारे झगड़े होते रहते हैं तो उस फैमिली में या उस एनवायरनमेंट में अगर कोई बच्चा ग्रो करता है तो उनको ये प्रॉब्लम होता है क्रिटिन चाइल्ड देन आया नेक्स्ट ये डिजीज हमारे पूरे इंडिया में सबसे बड़ा डिजीज है ठीक है डिजीज में बोल रही हूँ मैं फिनाइल क्यूटोनिया बॉडी में वन काइंड ऑफ एमिनो एसिड होता है एमिनो एसिड बोलो तो अभी प्रोटीन बनाने के लिए जो चाहिए होता है वो है फिनाइल अलानाइन मीन्स ये एक टाइप का एमिनो एसिड है उसके लैकिंग की वजह से या फिर वो अगर ब्रेन में फॉर्मेशन ठीक जगह पे ना हो तो ब्रेन में क्या होता है ना बहुत सारे डिस्टरबेंसेस आते हैं एंड ये डिस्टरबेंसेस मेटाबॉलिक डिस्टरबेंसेस है मीन्स जो भी आपके आयनिक फॉर्मेथरे सॉरी में फॉर्मेथ्रे या फिर मेटाबॉलिज्म में हेल्प कर रहे थे वो सारे हैं तो वो धीरे धीरे क्या करेंगे ना पॉइजन क्रिएट करेंगे पॉइजनस मटेरियल और पॉइजनस मैटर क्रिएट करेंगे एंड विच एंटर इन टू द्रेन जो कि ब्रेन को जाएगा एंड ब्रेन के जो सेल्स है ना उसको डिस्ट्रॉय कर देगा ठीक है ये होता है फिनाइल क्यूटोनोरिया में देन नेक्स्ट आते हैं माइक्रोसेफाली एंड हाइड्रोसेफाली द सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूड अभी बोलेंगे कि ये सारे टर्म्स कहाँ से आते हैं आपके जो ब्रेन है ना अभी देखिए मैंने यहाँ पे डायग्राम भी बनाया साइड में तो ब्रेन जैसा थोड़ा सा मैंने आउटलाइन सिप खींचा है तो आप थिंक करिएगा ये ब्रेन पोर्शन है अभी ब्रेन पोर्शन में आपको क्या लगता है ब्रेन में कुछ कुछ मेमरस तो होंगे ना या फिर ब्रेन के ऊपर एक तो कवरिंग होगा तो ब्रेन इज मेड टाइप ऑफ अनदर बॉक्स एक कवर है जिसको हम लोग बोलते खोपड़ी हिंदी में बोल देते हैं एंड वही है कि ये कवर इंग्लिश में बोलते हैं क्रैनियम बॉक्स और ब्रेन बॉक्स अभी ये इसके अंदर दो तीन जो लेयर है उसमें फ्लूइड तो होगा कुछ एक चीज होगा ना जो कि अगर इंजुरी होता भी है जैसे कि हमें चोट लगता है अगर ये बहुत ही ब्रेन का जो पोर्स है सॉफ्ट होते हैं तो हम एक बार चोट लगने से ही चोट में मर जाते या प्रॉब्लम होता पर बहुत जोर से मारने से ही प्रॉब्लम होता है अदरवाइज थोड़ा मोड़ा मारने से वो कंट्रोल कर लेता है उसके नीचे जो फ्लूइड है दैट मीन्स जो आ, जैसे कि आप खाना खाते हो खाना नहीं भी खाते हो तो आपके मुंह से थोड़ा बहुत पानी आता है ठीक है तो आप पानी मुंह पे आता है क्यों आता है कि खाने को वो हजम भी करता है प्लीज सॉरी प्लस मुंह में वो पानी रहने से वेट फील आता है एंड उससे आपके मुंह को ड्राई होने नहीं देता एंड आप बातचीत भी अच्छे से कर सकते हैं तो ये जो चीज है ना फिनाइल किटोनोरिया के, के बाद माइक्रोसेफाली एंड हाइड्रोसेफाली तो ये चीज में क्या होता है ना जो आपका जो ब्रेन पोर्शन है ब्रेन में जो फ्लूइड मैंने बोला उसको बोलते है सेरेब्रोस्पाइनल क्या बोलते हैं सी एस एफ सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूड अभी सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूड जैसे कि सपोज थिंक कर लीजिए स्टॉप हो गया ये मूव नहीं किया पूरे ब्रेन को कवर नहीं किया ब्रेन के एक पोर्शन में रह गया या फिर कुछ छोटे मोटे पोर्शन में रह गया पूरे ब्रेन में कवर नहीं किया या ब्रेन को सपोर्ट नहीं किया तो क्या होगा ब्रेन पैरालाइज्ड हो जाएगा ठीक है ब्रेन वर्क करना बंद कर देगा या फिर ब्रेन कभी भी ग्रो नहीं करेगा और ब्रेन सेल को तो जैसे हमारे बॉडी में बहुत सारे सेल्स हैं इसके पास भी ब्रेन सेल्स हैं ठीक है, है यहाँ पे मैंशनड है आप जैसे कि देख सकते ये पोर्शन में पढ़ रही थी अभी दो लाइन में समझा रही थी वही है सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड ब्रेन में जो फ्लूड है वो हेल्प करता है आपके ब्रेन को मॉइस्ट रखता है या फिर वेट बोल सकते हैं मीन्स गीला गीला रखता है सो so ब्रेन में कभी भी कोई चीज़ से अगर चोट लगे तो वो आप सिर्फ घिस जाते हो एंड वो ठीक हो जाता है इतना ही होता है अच्छा नेक्स्ट देखो सेरेब्रल पल्सी ये ऑलरेडी आपने पढ़ा था पहले भी वही है तो सेरेब्रल पल्सी क्या है ये वन काइंड ऑफ पैरालिसिस है ब्रेन पैरालिसिस ब्रेन वर्क करना बंद कर देगा तो ये हो गया आपका कुछ क्लासिफिकेशन क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन द फिजिकल एंड फिजियोलॉजिकल कैरेक्ट्रिस्टिक्स उसके बेसिस पे क्लासिफिकेशन हो गया अभी नेक्स्ट क्लासिफिकेशन पे चलते हैं क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री ऑफ रिटार्डनेस रिटार्डेशन है ना आप हैं या रिटार्डेशन भी बोल सकते हैं आपको जो चाहिए रिटार बैकवर्ड मूव करना करना सपोज जैसे मैं कोई चीज को अच्छा कर दी उसको मैं आ, फिर से बुरा कर रही हूँ, तो वो हो गया कि वो बैकवर्ड मूव कर रहा है। कॉल्ड रिटार्डेशन और रिटार्डनेस, ही लिख सकते हैं दोनों करेक्ट है अभी जो अब, अब, अब डिग्री ऑफ रिटार्डनेस है ना ये थ्री टाइप्स के माइल्डली रिटारेटली रिटारली रिटार्डली रिटार्डेड क्या है द इंटेक्चुअल ऑफ इंटेलेक्चुअल लेवल ऑफ सच चिल्ड्रेन रिमेन्स अंडर डेवलप्ड इंटेलेक्चुअल मीन्स माइल्डली मीन्स इन बच्चों का जो ग्रोथ है ना वो क्या रहेगा अंडर डेवलप्ड रहेगा दैट मीन्स अगर डेवलप्ड होता भी है ठीक है थोड़ा सा वीक रहेगा कोई एक सब्जेक्ट में वीक रह सकता है कोई काम पे वीक रह सकता है किसी को वोकेशनल प्लानिंग नहीं आ रही है या फिर ऑर्गेनाइज करना नहीं आ रहा है तो वैसे चीजों में ये वीक हो सकता है कम्प्लीटली डेवलप्ड नहीं होगा ऐसे नहीं बोलेंगे थोड़ा बहुत डेवलप्ड हो सकता है या फिर कोई एक पार्ट डेवलप्ड हो गया कोई अदर पार्ट नहीं हुआ ऐसा मोडरेटली रिटार्डेड अगर बोला जाए तो सेम मतलब माइल्डली रिटार्डेड में आपने जो देखा था जो लिखा था सेम है बट फाउंड इन इन्फेंसी पीरियड कब होगा इन्फेंसी पीरियड में हो सकता है ठीक है अगर इनको हम लोग ट्रेनिंग प्रोवाइड करें ना माइल्डली एंड मॉडरेट को तो ये इनको हम ट्रेनिंग दे सकते हैं वो भी ट्रेंड हो सकते हैं मींस इतना तो उनमें डेवलपमेंट पॉसिबल है एंड लास्ट वन सीवियरली रिटार्डेड दैट इज सीवियरली रिटार्डेड मीन्स सीवियर ब्रेन डैमेज हेल्पलेस इनको हेल्प करना पड़ेगा कैन नॉट बी ट्रेंड इनको हम ट्रेंड नहीं कर सकते कोई चीज सिखा नहीं सकते बिकॉज इनका सीवियर ब्रेन डैमेज है तो ये हो गया सेकंड टाइप ऑफ क्लासिफिकेशन अभी आता है थर्ड टाइप ऑफ क्लासिफिकेशन दैट इज कॉल्ड क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री ऑफ इंडिपेंडेंसी जो इंडिपेंडेंटली वर्क कर सकता है विदाउट एनी हेल्प ऑफ अदर्स तो उस बेसिस पे यहाँ पे तीन टाइप के हैं इंडिपेंडेंट पार्शियली इंडिपेंडेंट एंड डिपेंडेंट सो इंडिपेंडेंट तो समझ आया कि मेंटल रिटारनेस पर्सनस रहेंगे बट इतना मेंटल रिटारनेस कम रहेगा परसेंटेज में कि उनको किसी दूसरे का हेल्प नहीं चाहे वो खुद का वर्क खुद कर सकते हैं हु कैन डू देअर वर्क विदाउट एनी हेल्प पार्शियली इंडिपेंडेंट हु कैन डू देअर वर्क जो पार्शियली है वर्क कर सकते हैं बट समाइम्स दे नीड हेल्प कोई कोई चीजों में उनको हेल्प चाहिए या फिर कुछ कुछ काम में उनको हेल्प कर देना पड़ेगा तब होगा पार्शियली एंड मीन्स ये लोग अपने काम के लिए या फिर अपने चीजों के लिए जैसे कि डेली रूटीन्स और एक्टिविटीज के लिए दूसरे लोगों के ऊपर डिपेंड करते तो डिपेंड ऑन अदर्स फॉर देयर वर्क हो गया इतना समझ आया क्लियर है सो so, नेक्स्ट चलते हैं और एक क्लासिफिकेशन है क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ आई क्यू अभी आई क्यू मैंने सिखाया व्हाट इज आई क्यू आई क्यू इक्वल्स टू क्रोनिक एज डिवाइडेड बाय रियल एज इनटू टू हंड्रेड अभी रियल एज जिसका जो है अभी आप लोग खुद का आई क्यू निकाल सकते हैं किसका कितना है आपको पता चल जाएगा आप खुद को ऑब्जर्व करिएगा कि आपका रियल एज क्या है आप कैसे टाइप के बिहेव करते हैं मीन्स आपका बिहेव कभी कभी थर्टी फोर्टी इयर्स जैसे बच्चों के जैसा भी हो सकता है वो तो बच्चे नहीं है दैट इज पर्सन जैसा हो सकता है ओल्ड पर्सन जैसा हो सकता है दैट मीन्स मैच्योर पर्सन सो जैसे कि कुछ पर्सन होते हैं कि बीस तीस सालों में ही वो पचास जैसा ये करते हैं शो करते हैं दैट इज वो बहुत ही वीक है या फिर काम नहीं कर पा रहे हैं या फिर बहुत ही ज्यादा टेंस्ड रह रहे हैं तो ऐसा भी हो सकता है तो वैसे भी एज को आप लेके कर सकते हैं तो उसमें आपको उनका रियल टाइप ऑफ आईक्यू मिल जाएगा कुछ लोगों का है जैसे कि कुछ बच्चे होते हैं कि बहुत ही कम उम्र में जैसे कि उनका रियल एज होगा सपोज थिंक कर लीजिए सात आठ साल एंड वो बिहेव करते हैं जस्ट लाइक फिफ्टीन सिक्सटीन बिकॉज उनको सारे कुछ चीज़ वन टाइम में सीख समझना आ जाता है या फिर वन टाइम में वो सब कुछ सॉल्व कर लेते हैं तो उस अकॉर्डिंग उनका जो आई लेवल है वो इंक्रीज करता रहेगा डिक्रीज़ नहीं सो यहाँ पे देखिए उसके बेसिस में बच्चों का आईक्यू लेवल को हमने कुछ कुछ पॉइंट्स दिया है यहाँ पे तो पॉइंट के हिसाब से अगर देखेंगे तो यहाँ पे पॉइंट्स कैसा है जो इडियट मतलब ये सारे इसको तो पूरा ही मन में रखिए माइंड में पूरा फिक्स कर लीजिए प्लीज बिकॉज ये टी टी में कंपल्सरी इससे एक क्वेश्चन आता कंपल्सरी है तो पहले तो आपको याद रखना है कि इसका सीक्वेंस तो मैं आपको सीक्वेंस एक बताती हूँ उसको आप याद रख सकते हैं आई स्क्वायर जी ठीक है आई स्क्वायर एम डी ए एस भी जी ऐसे करेंगे तो आपको थोड़ा याद रहेगा आई स्क्वायर मीन्स इडियट देन इम्बेसाइल इडियट जो ग्रुप में है दैट इज जीरो टी फाइव मीन्स इनका जो रेंज है मेंटल रिटार्डनेस के बाद ये कैसे बिहेव करते हैं या फिर आईक्यू लेवल इनका क्या है तो उनका जो इडियट है तो उनका रहता है टू उनको हम इडियट बोलते हैं दैट मीन्स उनको कुछ समझ नहीं आता है बहुत ही इशूज होते हैं एंड घर पे वो चुपचाप बैठे रहेंगे या फिर उनको कुछ भी कर दो वो कुछ नहीं बोल सकते हैं. तो जीरो टू ट्वेंटी फाइव वो रेंज पे है इम्बेसाइल डबल होगा और पच्चीस पच्चीस थोड़ा बढ़ाते जाएंगे मोरन तक तो इंबेस्टाइल में ट्वेंटी फाइव टू फिफ्टी ठीक है अभी आते हैं मोरन वाले दैट मीन्स फिफ्टी टू सेवेंटी फाइव देखिए हम लोग बोलते हैं ना कितना डल बच्चा है तो डल बच्चे का ही परसेंटेज देखिए कितना है 75 फाइव टू नाइन्टी परसेंट सेवेंटी फाइव टू नाइन्टी परसेंट एवरेज कितना है नाइन्टी टू हंड्रेड परसेंट एवरेज है तो अगर हम उससे ऊपर गए दैट इज अरियर वेरी सुपेरियर जीनियस सुपेरियर मीन्स एवरेज से जो थोड़ा अच्छा हो हंड्रेड टेन से हंड्रेड ट्वेंटी फाइव भेरी सुपेरियर हंड्रेड ट्वेंटी फाइव से हंड्रेड फोर्टी हंड्रेड फोर्टी जीनियस कौन है वन फोर्टी टू एव तो इनको बोल सकते हैं सुपर टैलेंटेड जो बच्चे हैं वन फिफ्टी वन सिक्सटी तक भी उनका आई क्यू लेवल रहता है तो उस हिसाब से इसको याद रखेगा आई स्क्वायर एम डी ए एस भीजी ए एस पी जी अगर सिक्वेंस याद रखना है जीरो से स्टार्ट करेगा जीरो टू ट्वेंटी फाइव

कौन से साइड के वैल्यूज को याद रखेंगे जैसे कि ट्वेंटी हंड्रेड टेन वन टी फाइव वन फोर्टी इतना याद रख लीजिएगा उससे पहले स्टार्टिंग कहां से हो रहा है जीरो तो नेक्स्ट के लिए जो सेकंड पोजीशन में है जैसे कि ट्वेंटी फाइव तो उसको हम यूज करेंगे सेकेंड के लिए या नेक्स्ट के लिए इनिशियल पॉइंट पे तो उससे आपको रेंज पता चल जाएगा अभी देखते हैं नेक्स्ट और भी क्लासिफिकेशन है क्लासीफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ रेट ऑफ लर्निंग एंड एजुकेबिलिटी सॉरी यहाँ पे कैपेबिलिटी होगा एजुकेबिलिटी लिखा गया है वहाँ पे कैपेबिलिटी होगा एजु कैपबिलिटी ठीक है एजुकेशन के लिए जो उसके पास कैपेबिलिटी और uh, बोल सकते हैं वो जितना एजुकेशन ले सकता है तो उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे देखिए uh, कितने टाइप्स में हमने डिवाइड कर लिया दैट इज टोटल फोर टाइप्स में टाइप से फर्स्ट तो स्लो लर्नर है स्लो लर्नर दैट मीन्स उनके आई क्यू लेवल बहुत ही डल है डल का रेंज कितना था दैट इज डल का रेंज ही है सेवेंटी फाइव टू नाइनटी तो उससे अबव है फिफ्टी टू सेवेंटी फाइव दैट मीन्स मोरन में आते ठीक है सो दे एबल टू लर्न स्किल्स एंड कंट्रोलिंग देयर बिहेवियर ये लोग खुद के बिहेवियर को मेनटेन कर सकते हैं एंड स्किल्स को लर्न कर सकते हैं मगर धीरे 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 करते हैं एजुकेबल जो ग्रुप है ना ये भी इनका भी आई क्यू लेवल फिफ्टी से सेवेंटी फाइव है एंड ये उनके आ, डिसऑर्डर जो है ना जस्ट लाइक वो चल नहीं पाते या फिर आ, हाथ पैरों से कुछ कर नहीं पाते उसी से ही इनको आइडेंटिफाई किया जाता है देन दे कैन बिकेम इंडिपेंडेंट इफ दे गेट प्रॉपर ट्रेनिंग इनको हम इंडिपेंडेंट बना सकते हैं अगर हम लोग सही ढंग से इनको ट्रेनिंग प्रोवाइड करें देन नेक्स्टली ट्रेनेबल जिनको हम ट्रेंड कर सकते हैं जिनका मोटर स्किल डेवलप हो रहा है धीरे 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 हो रहा है एंड इनको हम बोल सकते हैं कौन से ग्रुप में इम्बेसाइल ग्रुप में आएंगे ये एवरेज से ऊपर है दैट मीन्स पहले एम्बेसाइल आता है फिर एवरेज आएगा एंड स्लोली स्लोली लर्न करते हैं एंड uh, जो भी क्राफ्ट वाले चीज़ है ना उसको वो ईजीली समझ लेता है एंड समझ लेने के बाद उसको यूज कर सकते हैं अपने लाइफ में तो इसके लिए भी ट्रेनिंग होता है प्रॉपर ट्रेनिंग है लास्ट वन टोटली अनएजुकेटेबल और हाँ अनएजुकेटे तो अनएजुकेटेटी थोड़ा सा से ज्यादा होगा ट्वेंटी पहले का ट्वेंटी फाइव मीन्स आप समझ रहे हैं इडियट इम्बेसाइल ऐसे ग्रुप तो ट्वेंटी फाइव से थोड़ा ज्यादा है तो इनको हम बोल सकते हैं कि ये सारी इम्बेसाइल है इम्बेसाइल है या फिर इम्बेसाइल के ग्रुप में ही आते हैं तो ऐसा जो ग्रुप है ना जिनका आईक्यू लेवल ट्वेंटी फाइव से थोड़ा ज़्यादा है तो ये क्या कर सकते हैं कि कोई चीज़ को समझने के लिए फिर से उनको रिपीट करना पड़ता है ठीक है एंड ये डिपेंड करते हैं बहुत ज़्यादा ही इन चीज़ों के ऊपर जस्ट लाइक कौन सा चीज़ को लर्न किए कौन सा चीज़ को नहीं करना ये कुछ भी समझ नहीं पाता है कुछ भी समझ नहीं पाता है तो इनको करना है कि टोटली अनएजुकेटेबल दैट मीन इनको एजुकेशन अगर प्रोवाइड भी करें ना तो ये ट्रेंड नहीं हो पाएंगे या फिर वो सीख नहीं पाएंगे हो गया इतने टाइप्स का है आपको फाइव टाइप्स को मेंशन करना है अगर सपोज सुनिए आप लोग भूल गए फाइव टाइप्स इतना ज़्यादा मेंशन नहीं कर पा रहे तो एनी टू थ्री टाइप्स को मेंशन करिएगा बट कंपलसरी है फोर्थ वाला क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ आईक्यू ये कंपलसरी है बाकी के कौन से दो आप सिलेक्ट कर सकते हैं जो आपको ईजी लगे उसको आप सेलेक्ट करके लिखिएगा अभी देखिए आइडेंटिफिकेशन ऑफ मेंटल रिटार्डनेस जिनको मेंटल रिटार्डनेस है तो उनको आइडेंटिफाई कैसे करेंगे फॉर दी आर्ली डिटेक्शन अगर हमें पहले से ही जानना है कि मेंटल रिटार्डनेस है कि नहीं तो उनके सिम्टम्स को फॉलो करना पड़ेगा या फिर ऑब्जर्व करना पड़ेगा सो द फॉलोइंग सिम्टम्स विल हेल्प द टीचर विल हेल्प द टीचर टू आइडेंटिफाई दैम और टू डिटेक्ट दैम द एम ऑफ चाइल्ड तो so, जो भी मेंटल रिटार्डेडनेस है बच्चों में उसको आइडेंटिफाई करने के लिए टीचर्स को ये बहुत ही ज़्यादा हेल्प करेगी सो so, फर्स्ट है डेवलपमेंटल क्राइटेरियन ये सारे टेस्ट टाइप के हैं टेस्ट टाइप के हैं तो यहाँ पे हम लोग पहले क्या करेंगे जो बच्चों को हम सस्पेक्ट कर रहे हैं कि इनको ये प्रॉब्लम हो सकता है तो उनके फैमिली हिस्ट्री को चेक करेंगे एंड उनको हम सेपरेट करके रखेंगे एंड उनको ही हम पहले ऑब्जर्व करना स्टार्ट करेंगे तो द डेवलपमेंट हिस्ट्री ऑफ सस्पेक्टेड चाइल्ड शुड ऑल्सो बी टेकन इन टू अकाउंट देन आया नेक्स्ट साइज ऑफ द फैमिली क्राइटेरियन क्राइटेरियन दैट इज अ लार्जर द साइज ऑफ द फैमिली जितना फैमिली का साइज ज्यादा होता है विल बी द स्कोर ऑफ़ फैमिली थिंक किया गया है पहले के थॉट्स भी डाले गए हैं क्या होता है ना अगर एक फैमिली में पांच बच्चे हैं तो पांच बच्चों में से सारे बच्चों का आई क्यू लेवल डिफरेंट होगा आइदर सबसे बड़ा या फिर सबसे छोटा इनका आई क्यू लेवल बहुत अच्छा होता है मिडिल जो भी रहते हैं उनका आई क्यू लेवल थोड़ा सा बड़ा या छोटा से वीक होता है इफ ऐसा भी केसेस हो सकते है बड़े का आईक्यू लेवल बहुत अच्छा है तो छोटे का आईक्यू लेवल बहुत ही बुरा होगा एंड मिडिल वालों का आईक्यू लेवल एवरेज टाइप का हो सकता है वो डिपेंड करता है कि कैसे टाइप के हैं बच्चे उसके उसके अकॉर्डिंग हिसाब से फैमिली के हिसाब से एंड फैमिली के डाइट के हिसाब से फैमिली के जो चार्ट है दैट फैमिली चार्ट रहता है या फैमिली हिस्ट्री रहता है उसके हिसाब से ठीक है अभी नेक्स्ट देखिए सोशल एडजस्टमेंट क्राइटेरियन अच्छा तो एमआर जो पर्संस हैं एडजस्ट कर पाएंगे क्या कभी-कभी एडजस्ट कर लेते हैं कभी-कभी नहीं कर सकते ये डिपेंड करता है सोशल सिचुएशन के ऊपर सो एमआर पर्सन विल स्योरली एग्जिबिट एडजस्टमेंट प्रॉब्लम इन सोशल सिचुएशन सो जैसा इनको प्रॉब्लम है उसके ऊपर ही ये करेंगे दैट इज एमआर पर्सन विल स्योरली एग्जिबिट क्या एग्जिबिट करते हैं एडजस्टमेंट एग्जिबिट करते हैं कि प्रॉपरली अगर सिचुएशन बेस्ट है कोई भी सिचुएशन थोड़ा इजी है तो उसके अकॉर्डिंग सोल्व कर लेंगे अगर थोड़ा सा डिफिकल्ट हो गया तो वो एडजस्ट नहीं कर सकता वो एडजस्ट नहीं कर सकते तो ये थोड़ा सा इश्यूज होते हैं कि कौन सा प्रॉब्लम को वो सॉल्व करे कौन सा नहीं करे तो सोशल सिचुएशन के ऊपर वो एडजस्टमेंट प्रॉब्लम उनको आता है देन लर्निंग एबिलिटी क्राइटेरियन इश्यू होगा so, सो ये लर्निंग डिजाबिलिटीज शो करेंगे तो लर्निंग डिजाबिलिटीज कब होता है जब पर्सन बहुत ही आई क्यू लेवल अगर बहुत कम हो तभी होता है तो एम आर पर्सन शोज लर्निंग डिजाबिलिटीज अकॉर्डिंग टू आई क्यू लेवल जैसा उनका आई क्यू लेवल होगा एज पर दैट थॉट और एज पर दैट सिचुएशन उनका लर्निंग लर्निंग प्रॉब्लम भी भी आएगा या सिचुएशंस चेंज होंगे जैसे कि आईक्यू लेवल बचपन में थोड़ा सा वीक ज्यादा था बट बड़े होते होते उनको थोड़ा थोड़ा कुछ समझ आया तो ये भी चेंज हो सकता है ठीक है नेक्स्ट एकेडमिक अचीवमेंट क्राइटेरियन तो एकेडमिक अचीवमेंट क्राइटेरियन दैट इज बेस्ड ऑन देयर एकेडमिक गोल सो दीज चिल्ड्रन और दीज चिल्ड्रन आर जनरली वेरी स्लो इन एकेडमिक अचीवमेंट बिकॉज उनका आई की लेवल तो अच्छा वर्क नहीं करता सो so, वो बहुत ही वीक रहते हैं ये सब चीज़ों में स्लो इन एकेडमिक अचीवमेंट ड्यू टू लो लेवल रिटेंशन मतलब उनको याद करने में प्रॉब्लम होता है वो कोई चीजों को क्या नहीं कर सकते याद नहीं रख सकते सो so, इनको जो जो इश्यूज हो रहे हैं ना तो उसकी वजह से अंडरस्टैंडिंग लेवल में भी प्रॉब्लम आएगा एंड एकेडमिक अचीवमेंट में भी प्रॉब्लम आएगा सो ड्यू टू लो लेवल ऑफ रिटेंशन पावर एंड अंडरस्टैंडिंग एबिलिटी देयर एकेडमिक अचीवमेंट एकेडमिक अचीवमेंट आल्सो वेरी स्लो और वेरी लो लो भी लिखेंगे चलेगा डिकल एग्जामिनेशन इट इज जनरली डन बाई दर्ट्स नॉर्मली ये कब कौन करेगा एक्सपर्ट्स ही करेंगे मेडिकल एग्जामिनेशन एंड इसको जी सी एस हम लोग बोलते हैं जहाँ पे ब्रेन ब्रेन को चेक किया जाता है उनके आई क्यू लेवल को उनका जो ग्रोथ है ग्रोथ है उसको चेक किया जाता है कैसा हो रहा है नहीं हो रहा है ये मेडिकल एग्जामिनेशन होता है उसके थ्रू भी जान सकते हैं प्रॉपर स्क्रीनिंग आफ्टर आइडेंटिफाइंग ऑल दी एवह जितने भी सिम्टम्स हमने पहले पढ़ा ना वो सारे सिम्टम्स को जानने के बाद वो सारे सिम्टम्स को जानने के बाद हमें क्या करना है पहले तो बच्चों को सस्पेक्ट कर लिया हमने कि ये बच्चों को ये ये सिम्टम्स हैं तो सस्पेक्ट जो है सस्पेक्टेड मेंटली रिटार्डनेस जो चाइल्ड्स हैं उनको प्रॉपरली हम क्या करेंगे सेपरेट करेंगे कैसे करेंगे बाय यूजिंग डिफरेंट टाइप्स ऑफ टेस्ट so, मैटी पूरा एक को कोई इश्यूज है कि नहीं है तो फर्स्ट वन सेग्विन फ्रॉम बोर्ड ट्रेस्ट ठीक है सेग्विन फॉम सॉरी फ्रॉम बोर्ड टेस्ट दट इज सेग्विन ये स्कॉलर थे या साइंटिस्ट थे बोल सकते हैं जो कि मेंटल डेवलपमेंट के ऊपर ही वर्क कर रहे थे एंड इसको यूज किया जाता है बच्चों को स्क्रीनिंग करने के लिए एंड इसमें ना स्पेशली हमने बोर्ड में कुछ लिख के करना है और फिर बोर्ड uh, जैसा ट्रे uh, और रेक्टेंगुलर साइज के कुछ शेप लेके बोर्ड लेके उसी पे ही वर्क करवाना है तो उसके अकॉर्डिंग उन्हें टेस्ट किया जाता नंबर बी दैट इज अ डेवलपमेंटल स्क्रीनिंग टेस्ट डेवलपमेंट ओके सो so, बच्चों का डेवलपमेंट इफ यू नो अबाउट दी चाइल्ड एंड ग्रोइंग अप सब्जेक्ट वेरी क्लियरली देन ऑलरेडी आपको पता होगा कि बच्चों का ग्रोथ उनके एज के साथ एंड उनके एनवायरनमेंट के साथ चलते जाता है एंड इट इज वेरी रिदमिक ये चलते ही जाएगा सो दिस इज़ यूज टू मेजर ये इसे हम क्यों यूज़ कर करें यूज टू मेज़र एम ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम द एज हमें बच्चों में मेंटल रिटार्टनेस है कि नहीं उसको चेक करना है तो ये कौन से एज के बच्चों से हमें स्टार्ट करना है द एज ऑफ थ्री मंथ्स टू फिफ्टीन ईयर्स हम स्टार्ट कर रहे हैं थ्री मंथ्स के बच्चों से फिफ्टीन ईयर्स के जो भी बच्चे हैं उनके अंदर एंड हेयर डिफरेंट टाइप्स ऑफ एक्टिविटीज आर गिवेन टू टू द चिल्ड्रेन टू डू हम यहाँ पे बच्चों को different types of work देंगे कि तुम लोग ये ये काम करो उसके according इनको हम observe करेंगे कि इनको क्या इश्यूज हो रहे हैं या फिर ये क्या कर रहे हैं नहीं कर पा रहे हैं, उसके अकॉर्डिंग इनको मार्किंग किया जाएगा एंड उसी के बेसिस पे स्क्रीनिंग किया जाएगा बिकॉज मेंटल वेरियस टाइप्स आपने अभी क्लासिफिकेशन देख के आया उनके वर्क uh, के अकॉर्डिंग उनके एकेडमिक्स के अकॉर्डिंग एजुकेबिलिटी है कि नहीं ट्रेनेबल है कि नहीं उसके अकॉर्डिंग उनके आईक्यू के अकॉर्डिंग जो जो आपने देखा उसके बेसिस पे हम स्क्रीनिंग कर सकते हैं बट उनको वर्क देना पड़ेगा प्रॉपरली छोटे छोटे वर्क्स देने पड़ेंगे तभी जाके वो वर्क जो करेंगे उसके बेसिस पे हम यहाँ पे स्क्रीनड आउट करेंगे एंड नेक्स्ट जनरल मेंटल एबिलिटी टेस्ट जनरल मेंटल ए एबिलिटी टेस्ट ये कौन से बुक में मेंशन था बताइए ये uh, पहले एक बीएड का बुक आता था, था श्रीवास्तव का जो so, श्रीवास्तव एंड किरण uh, सक्सेना दैट इज आरपी श्रीवास्तव एंड किरण सक्सेना उस बुक में है इन्होंने ही लिखा है दैट इज आरपी श्रीवास्तव एंड किरण सक्सेना ने ही लिखा है इन 1985 में दैट इज वर्बल एंड नॉन वर्बल बोथ टाइप ऑफ बोथ टाइप्स ऑफ आइटम्स ंग इनक्लूडेड हेयर टू स्क्रीन दैम यहाँ पे बच्चों को हम चेक करने के लिए दोनों टाइप के मेटेरियल्स को यूज करेंगे भर्बल दैट इज भर्बल इज यूजली यूजीजली यूज टू टीच दैम और यूजअली यूज टू इंस्ट्रक्ट दैम या फिर कोई चीज को करने के लिए कमांडिंग दैम ऐसे होता है सो so, भरवली हमने यूज किया भरवली और भी क्या करते हैं एक्सप्लेन एनी कोई चीज़ को समझाने के लिए कोई चीज को बताने के लिए करते हैं एंड नेक्स्टली क्या है नॉन भरवली नॉन भरवली क्या होता है दैट इज बाई जेस्चर बाई स्विंग गुड बिहेव और एनी टाइप ऑफ एक्टिविटीज जहाँ पे इनको हम इन्वॉल्व कर सकते हैं प्लांटेशन वर्क तो ऐसे में भी बच्चों को अगर कोई गेम्स के थ्रू जैसे हमारा ट्रॉफी वाले गेम्स होते हैं या फिर आ, हम क्या कहते हैं कोई गेम्स खेलोगे तो ट्रॉफी मिलेगा या फिर कोई गेम्स चॉकलेट कलेक्ट करने के लिए या फिर वो पैलेट्स कलेक्ट करने के लिए कुछ ऐसे ऐसे गेम्स दे दिए तो उसके अकॉर्डिंग भी एम बच्चों को हम सिलेक्ट कर सकते हैं कि इनको कैसे प्रॉब्लम है या नहीं है स्क्रीन कर सकते हैं ठीक है आई होप आपको समझ आया हो